बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इनसाइड पाकिस्तान के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लोग मौजूद हैं यहाँ क्वेटा होटल चकवाल सब्ज़ी मंडी ब्रांच में, और यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि जो आलू वाला पराठा है और जहाँ का जो मशहूर आलू वाला पराठा है वो किस तरह बनता है। यहाँ दो दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पर आलू वाला पराठा खाने आते हैं, और इसमें क्या ख़ास बात है वो भी हम लोग देखेंगे। हमारे साथ अब्दुल शकूर भाई मौजूद हैं और ये हमें बनाना सिखाएंगे। चलें जी अब्दुल शकूर भाई, स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले जनाब, ये आटा जो नॉर्मल आटा वही है जी? नॉर्मल आटा, नॉर्मल आटा गूंदते हैं वही है। अच्छा, ये जो नॉर्मल आटा जिस तरह आम रूटीन में गूंदा जाता है ये वही आटा है। इसको सबसे पहले हम लोग गोल रोटी की तरह इसको बनाएंगे, और उसके बाद जनाब क्या करेंगे? इसके बाद आलू डालेंगे। अच्छा, आलू डालेंगे। और ये क्या मशहूर है आलू पराठे में बेसिकली, और कितनी आवाम यहाँ पर आके खाती है? सर जी, यहाँ पर बहुत आवाम आता है। कम से कम दिन में हमारा जो पराठे निकलता है 400-500 पराठे, 400-500 एक दिन का पराठा निकालते हैं। एक चम्मच ये इसमें क्या क्या मिक्स है जनाब? सिर्फ आलू है? आलू है और मसाला डाला। मसाले में क्या क्या चीज है? मसाला मिक्स मसाला है जी जी, और साथ में जो है ना जीरा डाला हुआ है जी जी, आलू है। अच्छा, जीरा मिक्स मसाला, मसाला सही है, मिक्स मसाला ये जो नॉर्मल मार्केट से मिलता है, और उसके साथ आलू स्पेशल मसाला होता है। और अभी इसको क्या करेंगे, ये रोल क्यों कर रहे हैं? ये रोल कर रहे हैं, ये मछली की तरह पराठा पकाएगा। अच्छा, इसको भी इसको मछली पराठा कहा जाता है? इसको मछली पराठा कहा जाता है। सही हो गया ये, ताकि आलू वगैरह बीच में से गिरे नहीं। अच्छा नाजरीन, ये हमारा पराठा जो है वो तवे के पास पहुंच चुका है, और यहाँ पर देखते हैं कि ये इसको तैयार होने में अंदाजन कितना टाइम लग जाता है? 5 मिनट। अच्छा, 5 मिनट में ये एक पराठा तैयार हो जाता है। सही है जनाब, अब देखते हैं। सही पका लेना, फिर मज़ा नहीं आएगा। अरे सही पका हुआ हो तो तब मज़ा आता है। चकवाल छोटा सा, जितना छोटा शहर है, इधर दो ब्रांच है क्वेटा का जी जी, ये हमारा सब्जी मंडी के पास है जी जी, माशाल्लाह 400 पराठे निकल जाता है। अच्छा, मतलब एक छोटे से शहर में आपके 400-500। वैसे क्वेटा होटल की बाकी ब्रांचें कहाँ कहाँ है और कितनी है? सर जी, मेरे एक ब्रांच इधर है, तकरीबन 4 पेंडी में है, 4 जो है 10 होटल जो है ना हमारा कराची में है। अच्छा, मेन जो ब्रांच है वो कराची में है। सही है जी, माशाल्लाह से अभी ये रंग भी देखें पराठे का, वो भी देखने के काबिल है। और देखते हैं जनाब ये कितने देर में तैयार होता है, और अभी तो तकरीबन 1-2 मिनट में ये पराठा जो है वो तैयार होने के करीब है। और देखना ये है कि इसकी जो सर्विंग है वो किस तरह होगी और किस तरीके से इसको सर्व किया जाएगा। सर्विंग प्लेट में जनाब सबसे पहले केचप है, केचप के साथ ये दूसरी क्या चीज़ है? अच्छा, केचप और जनाब रायता है। जो पराठे है वो भी तकरीबन तैयार होने के करीब है, और देखना ये है कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है। ये तो जनाब, ये कट क्यों लगाए जा रहे हैं जनाब? ये कस्टमर के लिए जो है ना आसान होता है। अच्छा, आसान होता है। अच्छा, ये कट जो लगाए जा रहे हैं ये सिर्फ कस्टमर तक के आराम से खा सके, और जो उसके बाइट्स हैं वो इजीली बन सकें। अब अभी रखते हैं, हमारे साथ भाई मौजूद हैं, अभी ये कस्टमर को दे दो। आ जाए जनाब, ये ज़रा टेस्ट हमारे भाई करेंगे। कैसा बना जनाब? बहुत टेस्टी और मज़ेदार है। और भी खाएँ। कैसा लगा? बहुत मज़ेदार। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर देंगे। माशाल्लाह जनाब, नाज़रीन देख सकते हैं कि वाकई ही ये जो पराठा है वो 10 में से 10 नंबर के काबिल है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान कमर आवाज़ को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इनसाइड पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।